अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक है? आज है 2nd दिसंबर, 2nd दिसंबर थर्सडे 2021। तो आज मैं यूएई में हूँ और यूएई का नेशनल डे है। तो अब हम लोग दुबई में एक्सपो 2020 में आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड पार्किंग में। तो यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है पार्किंग को। एक पार्किंग है मोबिलिटी पार्किंग, दूसरी है अपॉर्चुनिटी पार्किंग, तीसरी है सस्टेनेबिलिटी पार्किंग। तो गाड़ी पार्क करने के बाद पार्किंग में फिर यहाँ से शटल बस जो है वो एक्सपो तक लेके जाती है। दूसरी बात ये कि आज मैं जो एक चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्गली मिस कर रहा हूँ शिद्दत से, वो है मेरा बेटा मोहम्मद वसीम कुरैशी। तो यही महीना था दिसंबर 2019 में वो मेरे साथ था और हम यहाँ पर 15 दिन हमने यहाँ गुजारे थे। दैट वॉज माई गोल्डन पीरियड। दुबई को हमेशा मैंने अपना सेकेंड होम कंसिडर किया है। आई लव दुबई, आई लाइक ड्राइविंग हेयर। सो जो कुछ मुझे मालूम है, इंफॉर्मेशन जो मैं दे सकता हूँ आपको दूंगा, ठीक है? उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे दुबई एक्सपो में। ये अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट है और मैं इंटर हो चुका हूँ। जब मैं दाखिल हो रहा हूँ बिलियन ट्री मनसूबा जो है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह पाकिस्तान माहौलियाती जो आलू की है उसके लिए काम कर रहा है। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट, ये चादर है हमारे सूफी बुजुर्ग सिंध के हजरत लाल शाहबाज कलंदर की, जो कि स्पेशली वहाँ से लाई गई है। दिवाली फेस्टिवल है हमारे सिंध में जो होता है। सात बेलू टेंपल कॉम्प्लेक्स दरियाए सिंध, दिवाली फेस्टिवल जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे यहाँ तमाम मजाही को अपने अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। तो ये जो आप कश्ती देख रहे हैं, हमारे सूबाई सिंध के कारीगरों जो कि शक्कर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों ने बनाई है। ये हज़ारों साल पुरानी कश्ती इस तरह की हुआ करती थी, तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया गया। ये हमारा खूबसूरत पाकिस्तान, आई थिंक ये बलूचिस्तान है। ये मारगला हिल्स है, नेशनल पार्क है मारगला हिल्स इसका होगा। ये गोमल लेक है, बहुत शानदार माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान के कल्चर को बहुत अच्छी तरह प्रमोट किया गया है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, वो सब दिखाया गया है यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। ये हमारे पाकिस्तान में मौजूद एनिमल लाइफ है, हम लोग अच्छी तरह जानते भी नहीं कितने किस्म के, कितने इकसाम के हमारे यहाँ एनिमल्स हैं।